Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Use hedge mode. So what is hedge mode and its benefits? So pehle kya hai, when user trade with one way mod position will be open only in one direction, long or short. When user toggle into an hedge mode, it's allowed to keep a long and short position at thus.

जैसे कि अगर मैंने एनालिसिस किया है किसी पेयर पे, और मुझे लगता है कि पहले इतना ऊपर जाएगा उसके बाद ये नीचे रिटर्स करेगा तो मेरे मैं चाहता हूँ कि अब दोनों तरफ प्रॉफिट चाह रहा हूँ मैं तो या मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा लॉस हो रहा है मेरा तो मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे मेरा प्रॉफिट भी होना चाहिए अगर मैं शॉर्ट करता तो उसके लिए क्या होता है वन वे मॉड जो है उसको हम ख़त्म कर देते हैं मतलब इसमें होगा क्या है? हम मैं आपको बाइलेंस में भी आ कर दिखाऊँगा कि इसमें हम क्या है एक साथ लॉन्ग भी पो, पोजीशन ऑन कर सकते हैं उसी एंट्री पर और वहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं मीन कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें वहाँ से प्रॉफिट बुक करके हम निकल सकते हैं और हमें पता है कि अब वहाँ तक प्रॉफिट बुक होगी अब वहाँ से नीचे आएगी तो हमारे लिए शॉर्ट की जो एंट्री होगी वहाँ से अगर नीचे जा रही हो तो वहाँ से भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं डबल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं तो इसमें ये एक तरीका होता है इसको मोड कहते हैं और यही चीज़ बताया कि आप अपना लॉस जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं मींस कि अगर आप लॉन्ग करते और अगर वो नहीं जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता तो आपको तकरीबन अगर पाँच में से तीन डॉलर का नुकसान होता तो आपको जो तीन डॉलर का नुकसान था अगर आप हैज मोड खोलते तो आपको वो तीन डॉलर प्रॉफिट में बदल जाता है आपके क्योंकि आप शॉर्ट भी खोले होते तो जिस इंट्री से आपने लॉन्ग करी थी उस एंट्री से आपने शॉर्ट भी करी तो जैसे ही आपकी एंट्री लेवल पर पहुँचा मार्केट आपने लॉन्ग क्लोज करी और वहाँ से शॉर्ट ओपन कर दी और आपका एस जो था लॉन्ग का वो आपके शॉर्ट के एस पे जो है प्रॉफिट करके निकल जाएगा वो आपका टीबी बन जाएगा तो ये होता है मोड इसके बेनिफिट्स क्या हैं बेनिफिट्स ये रहे कि अलाउ यूज़र टू लिमिट दियर लॉसेस मेन सबसे मेन यही है आपका कि भाई लॉस आप जो है अपना लिमिट कर सकते हैं एज अबव यूज़र इट्स मिनिमाइज एंड प्रोटेक्ट स्पेशली इन अ मार्केट दैट इज़ फार यही इसमें होता है और ये आखिरी है हमारा हेज मोड़ और ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हर आप पोजिशन पर हर ट्रेड पर हैज मोड ऑन करें अगर आपको एनालिसिस आपका अच्छा है तो आप जो है फिर लॉन्ग ही करें ये इनके लिए होता है जिनका अगर कोई स्टॉक हो गया ट्रेड या अगर उनका एनालिसिस सही नहीं जा रहा है मार्केट एकदम से है कि कोई न्यूज़ आने वाली और मार्केट गिर सकती है और आप प्रॉफिट भी चाह रहे हैं तो उसके लिए हैज मोड बिल्कुल अच्छा होता है मैं अभी बाइलेंस पर चलते हैं उसको देखते हैं कि किस तरह ये यूज़ करेंगे पहले इधर आएंगे यहाँ से फ्यूचर खोल लेंगे क्लिक कर लेंगे या फ्यूचर आ जाएगा फ्यूचर पर प्रपैपचुअल आ जाएगा डिलीवरी आ जाएगा और ये यहाँ आएंगे जैसे हम यहाँ देखें डॉलर्स पड़े मेरे पास तो यहाँ पे ये जो आइसोलेटेड लिखा है अच्छा हम आइसोलेटेड और क्रॉस दोनों इसमें हम कर सकते हैं हेज मोड में तो यहाँ देखें लिखी हुई तीन लाइनें बनी है इसको क्लिक करेंगे यहाँ प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ देखें लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे आपका पास लिमिट ऑर्डर है यहाँ पे हमारे पास ट्रेलिंग स्टॉप है नीचे आएंगे पोजिशन मोड ये देखिए ये पोजिशन मोड ऑर्डर कंफर्मेशन था हमारे पास इसके बाद है हमारे पास पोजिशन मोड अब यहाँ पे देखें और से लिखा है वन वे मोड मीन्स ये है कि हम लॉन्ग जो हैं वन टाइम करेंगे तो शॉर्ट नहीं कर सकते और हैच मोड ये रहा दूसरा क्या लिखा हुआ इन हीच मोड्स आज सिंपल सिंपल सपोर्ट्स साममेंटेनियसली होल्डिंग लॉन्ग पोजिशन एंड शॉर्ट पोजिशन एंड अन रियलाइज ये जो है आपका पी एन एल होता है तो तो क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा इस पर सेट हो गया देखें नीचे लिखा आई के एड जस्ट उसको यहाँ से काट सकते हैं अब यहाँ पर हमें सिम्पली दोनों चीज़ें बाय एंड मतलब लॉन्ग भी कर पाएंगे हम यहाँ पर अभी बिटकॉइन को और यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं अब जो आपके एनालिसिस के ऊपर है कि आप ये लॉन्ग शॉट तो इजी है यहाँ से आप कर सकते हैं यहाँ मैं अगर यहाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट लगाता हूँ फिफ्टी परसेंट अगर मैं लॉन्ग कर लूँ यहाँ से तो यहाँ टी पी लगा के उसका यहाँ से लॉन्ग हो जाएगा और बाकी फिफ्टी परसेंट का मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ तो यहाँ पर आपके पास जो पोजिशन खुलेंगी वो दोनों पोजिशन आपकी एक साथ खुल जाएंगी बाकी आप उसको अपने आप को अपने हिसाब से आपके एनालिसिस के हिसाब से मैनेज करना होगा कि मैं किस तरह उसको मैनेज करूँगा तो मैं आपको बता दिया मोड कैसे खोलते हैं आपने यहाँ मैं आपको से दिखा देता हूँ तो ये देखें ये होता है हमारे पास ऐसे इंटरफेस होता है हम यहाँ आ गए हमारे पास आ गए ऑप्शंस यहाँ पे मार्केट आ गई मार्केट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं मार्केट में आपके पास बहुत सारे पेयर्स होंगे ये यह हम यहाँ पेपचुअल पे इसको क्लिक किया देखिए मार्केट खुल गई आपके पास ये पेयर्स आ रहे हैं डिफरेंट आप यूजी में करना चाहते हैं क्वाइंस में करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है यहाँ से आप ये क्लिक किया आपने यहाँ प्रेफरेंस पे गए और यहाँ पे ऑर्डर कंफर्मेशन के नीचे होगा पोजिशन मोड इस पर आप जाके ये हैज मोड पे ऑन है मैं इसको वन वे मैं ज़्यादातर वन वे मोड पे करता हूँ ये देखिए यहाँ आ गया एडजस्ट हो गया सिंपली और ये हट गया तो ये है और इसके बाद अगला लेक्चर टेन है इसमें हमें आज लास्ट लेक्चर होगा इसमें हमने सारा चीज़ें कवर कर ली हैं एक्सचेंज किस तरह चलती है और एक्सचेंज में कौन कौन से मॉड्स होते हैं और किस तरह काम करते हैं तो थैंक यू सो मच लेक्चर देखने का